और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भिवानी से टिकट नहीं मिलने पर श्रुति चौधरी का दर्द छलका है। मैं सर्वे में भी ऊपर थी, पार्टी में बहुत सी बातें होती, ये बयान श्रुति चौधरी की ओर से दिया गया। जो निर्णय लिया उसके हिसाब से काम करेंगे। तो बंतु कटारिया, माफ कीजिएगा, श्रुति चौधरी की ओर से ये बयान दिया गया है। रावदान सिंह की मदद के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि मदद करेंगे, वो चाहती हैं कि यहाँ से सीट निकले। तो देखिए, पिछले दिनों अटकलें श्रुति चौधरी के नाम की भी थी और उम्मीद श्रुति चौधरी को भी पार्टी हाईकमान से थी कि उनका नाम इस बार लोकसभा चुनाव के उन उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल होगा। लेकिन जब लंबा समय, लंबा मंथन होने के बाद भी, इतनी चर्चा, इतनी बैठक होने के बाद भी उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से सामने आई है, तो उन 8 उम्मीदवारों में कहीं भी श्रुति चौधरी का नाम नहीं दिखाई दिया। किरण चौधरी का नाम उस लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं भी हैं। लेकिन इसी बीच श्रुति चौधरी की ओर से जब ये बयान दिया गया है, तो इस बयान में साफ तौर पर टिकट ना मिलने को लेकर उनका दर्द छलकता हुआ यहाँ नजर आया है। हालांकि पार्टी में श्रुति चौधरी, किरण चौधरी रहेंगी तो पार्टी के हित में उन्हें काम करना पड़ेगा, पार्टी के साथ मिलकर उन्हें काम करना पड़ेगा। हालांकि परिस्थितियां और हालातों को देखते हुए अभी फिलहाल श्रुति चौधरी की ओर से ये बयान साफ तौर पर दिया गया है कि रावदान सिंह की मदद तो वो करेंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि सीट यहाँ से निकले। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। पार्टी के बारे में अब क्या बोलें कि एक प्रक्रिया हुई, उसके सर्वेज हुए, सर्वे में भी क्योंकि मैंने तो इस हलके का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, सब आप जानते हो, गढ़ भी है चौधरी बंसीलाल जी का, तो सर्वे में भी ऊपर रहे। लेकिन पार्टी, बहुत सारे बातें होती हैं और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है फिर उनको, उसको हमको अंत में मानना पड़ता है। और खबर पर संवाददाता रवि जांगड़ा मेरे साथ भिवानी से जुड़ गए हैं। रवि, श्रुति चौधरी के जो बयान सामने आया है, उन्होंने अपने बयान में ये तो कह दिया है कि सर्वे में वो ऊपर थी, उसके बाद पार्टी में कई तरह की बातें होती हैं और उन्होंने ये कहा है कि रावदान सिंह की मदद वो करेंगे क्योंकि वो चाहती हैं कि यहाँ से सीट निकले। अब किस तरह से श्रुति चौधरी के इस बयान को देखा जा रहा है? एक और बयान आया अभी थोड़ी देर पहले जो है, कार्यकर्ताओं से जब उनके द्वारा बातचीत की गई थी, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, उसी बयान की अनुवर्ती में एक बयान और भी आया था श्रुति चौधरी का। उनका कहना था कि जिस तरह की मदद रावदान सिंह ने उनके चुनाव में पहले की थी, ठीक उसी तरह की मदद वो भी करेंगे। अब ये कटाक्ष था, अब ये क्या चीज थी ये तो वही जानती है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी आज कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हुई थी, मीडिया से भी कुछ देर के लिए मुखातिब हुई, और उनका यही कहना था कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको तय की है, पार्टी ने जो निर्णय लिया उसका सिर माथे पर वो रखते हैं। अब जो है, जो भी काम उनके जिम्मे होगा वो करेंगे। हालांकि मायूस जरूर दिखाई दिए थे श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, दोनों कार्यकर्ताओं से मुखातिब भी हुए थे, अभी भी जो है बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इतना विकास उनके द्वारा करवाया गया था, चाहे भिवानी की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, महेंद्रगढ़, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3 जिले पड़ते हैं, 9 विधानसभा आती हैं, तो इनमें जितना विकास चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह के द्वारा करवाया गया था, उनका दावा था इतना विकास किसी ने नहीं करवाया था। हालांकि टिकट देना ना देना जो है पार्टी के हाथ में है, पार्टी का जो फैसला था वो, उस निर्णय का वो स्वागत भी करते हैं, पार्टी के फैसले पर वो कायम है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो उनका यही कहना था कि लोग जो है, अब कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना होगा, कार्यकर्ताओं को काम करना होगा अपने हिसाब से। जो है कार्यकर्ता पूरी तरह से जो है जुट जाए, कार्यकर्ता इस बात के इंतजार में है कि अगला फैसला किस तरह का लिया जाता है। जी बिल्कुल रवि, देखना होगा, क्योंकि श्रुति चौधरी की ओर से लगातार बयानबाजी तो की जा रही है कार्यकर्ताओं की ओर से। हालांकि ये बात कही गई है कि रावदान सिंह की मदद वो करेंगे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ और देखने को मिलता है वो दिलचस्प होगा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए।